वेलकम टू माय चैनल, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिल्क के कुर्ते को हम किस तरह से घर पर धोएं। तो आप ये मेरा सिल्क का कुर्ता देख रहे हैं, जिसमें जगह जगह पर दाग लग गया है, थोड़े से बारिश के पानी के छींटे भी लग गए हैं, और पहली बार मुझे इस कुर्ते को वॉश करना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सादा पानी लिया, ठंडा पानी जैसा नल में आता है बस वही पानी लिया है। इस पानी में आपको डालना है, चाहे तो आप इजी में भी वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो शैम्पू लिया है, कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। एक शैम्पू का पाउच लिया है और वो इस पानी में मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि कभी भी जो नाजुक कपड़े होते हैं हमारे, उन्हें कभी भी आप बिल्कुल डिटर्जेंट पाउडर में ना धोएं। एक चम्मच मैंने नमक डाला है, क्योंकि सबसे पहली बार ही आज मैं इस कुर्ते को धोने वाली हूँ। नमक डालने से हमारे कपड़ों का रंग जो होता है वो फिक्स हो जाता है। आप चाहें, यदि कॉटन का बहुत ज़्यादा रंग जाने वाला है, डर का कपड़ा है, तो नमक और फिटकरी दोनों मिक्स करके पहली बार आप कपड़े को धोएंगे तो कपड़ों का रंग जो है वो बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगा और वो निकलेगा नहीं। तो मैं भी इस कुर्ते को पहली बार ही आज वॉश कर रही हूँ। तो हमें, या फिर आप लिक्विड सोप भी ले सकते हैं, आप इजी में वॉश कर सकते हैं, या फिर शैम्पू में वॉश करें, क्योंकि जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं बहुत ही हार्श केमिकल होते हैं, जिससे हमारे जो नाजुक कपड़े होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो बस इस सिल्क के कुर्ते को जहाँ जहाँ मुझे बारिश के पानी के छींटे और दाग लग रहे हैं, वहाँ पर मैं बहुत अच्छी तरह से इसे रगड़ती जा रही हूँ। हल्के हाथों से ही रगड़ेंगे, क्योंकि सिल्क का कपड़ा बहुत ही नाजुक होता है और उसके चसकने का भी डर रहता है। तो इसे 4-5 बार मैंने इस तरह से अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर दिया है। अब आप देख सकते हैं, पहली बार धुलने के बाद भी बिल्कुल ही पानी का रंग बिल्कुल साफ है, बिल्कुल भी इसका रंग नहीं छूटा है। तो नमक डालने से बहुत ही अच्छी तरह से कपड़ों का रंग फिक्स हो जाता है, और इस तरह से घर पर ही हम अपने सिल्क की साड़ी हो, चाहे सिल्क का कुर्ता हो, बहुत आसानी से धो सकते हैं। और जहाँ जहाँ मुझे दाग दिख रहे थे इस सिल्क के कुर्ते में, वहाँ वहाँ मैं वापस इसे रगड़ती जा रही हूँ, पर हल्के हाथों से ही रगड़ना है हमें। और बस कभी भी महंगे कपड़ों को हमें साबुन के पानी या लिक्विड सोप में भिगा कर नहीं रखना है, तुरंत ही आप उसे वॉश करें और सूखने रख दें। जितना ज़्यादा देर हम इन्हें साबुन पानी में रखेंगे दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा इनका ये चमक ख़त्म होती है। तो बस मैंने इस कुर्ते को जैसे ही धोया है, तुरंत ही साफ़ पानी ले लिया है बाल्टी में, और खूब अच्छी तरह से खंगाल लेंगे। कम से कम 2 बार मैं इसे साफ़ पानी से खंगाल रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी इसमें साबुन का अंश ना रहे। भले हमने शैम्पू से धोया है, परंतु बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का सोप नहीं होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं, मेरे इस कुर्ते में बहुत अच्छी चमक आ गई है, और धुलने के बाद भी वो बिल्कुल ही नए के जैसा ही लग रहा है। तो बस अब इसे मैंने खूब हल्के हाथों से निचोड़ कर हैंगर में डाल दिया है और ड्राई होने रख दिया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।